आज हम प्राचीन भारत में राजनीति की, राज्य की क्या अवधारणा थी, इस विषय पर विचार करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो ये कि पाश्चात्य विद्वानों और उनके प्रभाव से भारतीय विद्वानों के द्वारा भी ये माना जाता रहा लंबे समय तक कि प्राचीन भारत में कोई राजनीतिक चिंतन नहीं था, प्राचीन भारत में कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं थे। और ऐसा मानने वालों में पाश्चात्य जगत के बड़े बड़े भारतवेत्ता या जिनको इंडोलॉजिस्ट कहते हैं उनका शुमार किया जाता है, जैसे कि मैक्स मुलर, जैसे कि जेनेट ब्लूम्सफील्ड, प्रोफेसर डनिंग और भी कई विद्वान जिन्होंने ये एक धारणा प्रतिपादित की कि प्राचीन भारत में कोई राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ, प्राचीन भारत के पास राजनीति की कोई अवधारणा या राजनीतिक संस्थाएं या जिसको कि हम लोग राजनीतिक जीवन कहते हैं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। इस मान्यता का सर्वप्रथम प्रतिपादन तो मैक्स मुलर ने किया 19वीं शताब्दी के अंत में। मैक्स मुलर ने लिखा है कि हिंदू मूलतः तत्वशास्त्री, धार्मिक, आध्यात्मिक विषयों में ही रुचि रखते हैं। जैसा कि उसने लिखा कि हिंदूज आर द नेशंस ऑफ द फिलोसोफर्स, देयर स्ट्रगल्स आर द स्ट्रगल्स ऑफ थॉट, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट देयर इज नो स्कोप ऑफ पॉलिटिकल वर्ल्ड इन देयर थिंकिंग। ऐसा मैक्स मुलर ने माना कि वो लोग दार्शनिक, तत्वशास्त्री प्रश्नों में उलझे रहने वाले लोग रहे हैं और इसलिए राजनीति की ओर या राजनीतिक जीवन की ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैक्स मुलर की इस मान्यता को अन्य पाश्चात्य विद्वानों ने आगे बढ़ाया, जैसे कि जेनेट का ये विचार था कि प्राचीन भारतीय चिंतन मूलतः थियोलॉजिकल और मेटाफिजिकल है, उसमें कोई पॉलिटिकल थिंकिंग या पॉलिटिक्स की कोई अवधारणा हमें प्राप्त नहीं होती। इसी तरह से प्रोफेसर डनिंग का ये विचार है कि एशियाई जो सभ्यताएं हैं, जिनमें वो भारत को भी शामिल करते हैं, इन एशियाई सभ्यताओं के पास राजनीति की कोई दृष्टि या कोई अवधारणा नहीं रही और राजनीति की अवधारणा तो केवल और केवल पश्चिमी जगत में ही विद्यमान रही, वहीं पर विकसित हुई। इसी तरह का विचार ब्लूम्सफील्ड ने दिया, क्योंकि उनका मानना है कि भारत में जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनका हिंदुस्तानियों के विचार और व्यवहार पर पूर्ण नियंत्रण था और इसलिए जो लौकिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है चिंतन का, वो उपेक्षित होता रहा, उसकी उपेक्षा होती रही। इस प्रकार की मान्यताएं पाश्चात्य विद्वानों ने प्रतिपादित की 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में। और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय विद्वानों ने इसी दृष्टिकोण को अंगीकार कर लिया और इसलिए उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया, अधिकांश विद्वानों ने, कि प्राचीन भारत में कोई राजनीतिक दर्शन नहीं था, भारत के पास कोई राजनीति शास्त्र नहीं था, भारत की कोई राजनीति की अवधारणा नहीं थी। इस प्रकार का दृष्टिकोण काफ़ी प्रभावी रहा। ये अवश्य है कि 1930 के आसपास इस दृष्टिकोण को अस्वीकार करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और उस प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाले भी कुछ भारतीय विद्वान ही थे, जैसे कि डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी,
जैसे कि केपी जायसवाल या यूएन घोषाल या जे अंजारिया, इस तरह के जो विद्वान थे, इन्होंने प्रमाण देकर इस बात को स्थापित किया कि प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन भी था, प्राचीन भारत के पास राजनीति की एक बड़ी श्रेष्ठ अवधारणा भी थी, राज्य भी थे, राजनीतिक संस्थाएं भी थीं, और इसलिए ये निष्कर्ष नितांत भ्रामक है कि भारत के लोग केवल तत्वशास्त्री प्रश्नों में उलझे रहते थे, केवल धार्मिक आध्यात्मिक प्रश्नों में ही उलझे रहते थे, और जो लौकिक विषय हैं जिसके के अंतर्गत राजनीति भी आती है, इनमें उनकी कोई रुचि नहीं थी या उनके ऊपर उन्होंने कभी विचार नहीं किया। इसलिए दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन आने के बाद जब हमने प्राचीन भारत के ऊपर एक नई दृष्टि डाली, जब हम आत्मविस्मरण से थोड़ा सा मुक्त हुए, पश्चिम की मानसिक दासता का प्रभाव जब हमारे ऊपर थोड़ा कम हुआ, और जब हमने अपनी चीज़ों को अपनी दृष्टि से देखना प्रारंभ किया, तब हमको राजनीति का, राजनीति शास्त्र का, राजनीतिक चिंतन का एक विराट जगत देखने को मिला प्राचीन भारत में। तो इसलिए पहली जो कठिनाई है वो ये कि ये आक्षेप जो लगा कि प्राचीन भारत में ना कोई राजनीतिक चिंतन था, ना कोई राज्य की समुचित अवधारणा थी, बल्कि पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल वर्ड जैसी चीज़ें उनके लिए अज्ञात थीं, तो ये धारणा टूटी है। फिर भी अभी भी इस धारणा का भारतीय मानस पर, विशेष रूप से भारत के विद्वानों पर, भारत के शिक्षकों पर अभी भी इसका काफ़ी प्रभाव है। अब वो प्रभाव एक दूसरे प्रकार से है, जिसका उल्लेख यूएन घोषाल ने अपनी पुस्तक में किया है। वो प्रभाव अब इस तरह से है कि हम कहते हैं कि नहीं, कि हम जितने भी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत हैं, विचार हैं, उन सब को हम प्राचीन भारत में प्रक्षेपित कर देते हैं, है ना, जिसको कहते हैं कि वी रीड मॉडर्न आइडियाज इन एंशियंट टेक्स्ट। जैसे कि हम कहते हैं कि प्राचीन भारत में सोशलिज्म भी था, प्राचीन भारत में नेशनलिज्म भी था, प्राचीन भारत में डेमोक्रेसी भी थी। अब ये सोशलिज्म, नेशनलिज्म या डेमोक्रेसी जैसी जो धारणाएं हैं, ये आधुनिक धारणाएं हैं, पिछले 250 साल की देन है। यूरोप की विशिष्ट परिस्थितियों में ये सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत उत्पन्न हुए और विकसित हुए। लेकिन हम कहते हैं, हम आज के हमारे विद्वान कहते हैं कि ये सिद्धांत हमें प्राचीन भारत में भी दिखाई पड़ते हैं, तो भारत के पास भी डेमोक्रेसी की धारणा थी, भारत के पास भी राष्ट्रवाद की धारणा थी, भारत के पास भी समाजवाद की धारणा थी। स्वतंत्रता का जो पाश्चात्य सिद्धांत है, जिस रूप में निरूपित हुआ है, उसी रूप में हमारे यहाँ भी था। तो ये एक और बड़ी भ्रांति, बल्कि शायद पहली भ्रांति से ज़्यादा खतरनाक भ्रांति ये है कि हम हर मॉडर्न आइडिया को प्राचीन भारत में प्रक्षेपित कर देते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं, और इस तरह से एक अपने ऊपर एक, अपने पर एक झूठा अभिमान या गर्व करते हैं, और मानते हैं कि अगर ये चीज़ें आज हैं तो ये पहले भी रहीं, हमारे पास भी रहीं। हम ये भूल जाते हैं कि लोकतंत्र या समाजवाद या राष्ट्रवाद की जो अवधारणाएं आज विद्यमान हैं, प्राचीन भारत इन इन धारणाओं को कभी स्वीकार ही नहीं कर सकता था। जो उसकी मूल व्यवस्था थी, जो उसकी जीवन की दृष्टि थी,
उसमें ना तो डेमोक्रेसी फिट बैठती है, ना उसमें सोशलिज्म फिट बैठता है, ना उसमें नेशनलिज्म फिट बैठता है, और ना ही आज के जो तमाम और राजनीतिक सिद्धांत माने जाते हैं वे वहाँ पर बिल्कुल ही फिट नहीं बैठते। क्योंकि ये जो राजनीति आज की राजनीति है, ये सेक्युलर पॉलिटिक्स के अंतर्गत ये सब सिद्धांत पैदा होते हैं। जो आधुनिक विचार दृष्टि है, जिसका कि उदय 16वीं शताब्दी के उपरांत हुआ, वो आधुनिक विचार दृष्टि व्यक्तिवादी, उदारवादी जीवन दर्शन पर आधारित है। ये जो व्यक्तिवादी उदारवादी जीवन दर्शन है, ये भारतीय संस्कृति में हम इसके लिए कोई स्थान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भारतीय व्यवस्था है, जो भारतीय संस्कृति रही है, वो मूलतः धर्म मूलक रही है। उस धर्म मूलक भारतीय संस्कृति में वे सिद्धांत हम कैसे आरोपित कर सकते हैं, उन सिद्धांतों को हम कैसे तलाश कर सकते हैं, या वहाँ पर वो कैसे मिल सकते हैं जो सिद्धांत एक व्यक्तिवादी उदारवादी धर्मनिरपेक्षतावादी दृष्टिकोण की उपज हो। फंडामेंटल से बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए उनसे जो भी डिराइवेशंस होंगे, उनसे जो कुछ भी नेतार्थ निकालेंगे, वे भी भिन्न प्रकार के होंगे। तो क्योंकि भारत पर अंग्रेजों ने केवल राज्य ही नहीं किया, भारत में अंग्रेजों के माध्यम से पश्चिमी सभ्यता संस्कृति ने हमारे मन को, हमारे मानस को, हमारी विचार दृष्टि को भी नियंत्रित किया, निर्देशित किया, और इसलिए हम ये मान बैठे हैं कि ये जो पश्चिम से जो ये विचार आए, यही सम्यक हैं, और न केवल सम्यक हैं बल्कि सार्वभौमिक भी हैं। अगर ये आज मान्य हैं तो हमेशा मान्य रहे होने चाहिए, या रहे होंगे। प्राचीन भारत में भी ये सिद्धांत मान्य रहे ही होंगे, क्योंकि ये आज अगर मान्य हैं, तो अगर हम आधुनिक दृष्टि से प्राचीन भारत की राजनीति को, राजनीतिक चिंतन को, राजव्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे, तो केवल हम उसको डिस्टॉर्ट ही करेंगे, मिसइंटरप्रेट ही करेंगे, और ऐसी समझ उतनी ही खतरनाक है, या शायद उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, जिस समझ में, जो कि मैक्स मूलर वगैरह की समझ थी कि प्राचीन भारत में कोई राजनीतिक चिंतन था ही नहीं, भारत की कोई राजनीति की अवधारणा कभी थी ही नहीं। तो इसलिए हम, क्योंकि आधुनिक विचार दृष्टि के मोहपाश में जकड़े हुए हैं, इसलिए जब तक हम अपने को उस मोहपाश से मुक्त न कर लें, तब तक हम प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन को, प्राचीन भारत की राजनीति की दृष्टि को सम्यक अर्थ में समझने में असमर्थ ही रहेंगे। घालमेल हम जरूर पैदा कर सकते हैं, एक कंफ्यूजन हम जरूर पैदा कर सकते हैं, अपने अंदर भी और पाठकों और श्रोताओं और दर्शकों के अंदर भी, और हम एक फैलेसी में जी सकते हैं, एक भ्रांति में जी सकते हैं कि हम जैसे कि भारतीय चिंतन कर रहे हैं, जैसे कि हम भारतीय विचार दृष्टि का प्रतिपादन कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः हम भारत के प्रति और भारतीय संस्कृति के प्रति बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं जब हम इस प्रकार से सोचते हैं, इस प्रकार से विचार करते हैं। इसलिए प्राचीन भारत को समझने के लिए आधुनिक विचार दृष्टि के मोहपाश से मुक्त होना पहली आवश्यकता है। बिना इस अनलर्निंग के आप प्राचीन भारत के स्वरूप को, सभ्यता को, उसकी संस्कृति को, उसकी राजनीति को ही नहीं, उसकी कला को, उसके साहित्य को, उसके दर्शन को भली प्रकार से समझ नहीं सकते, सम्यक अर्थ में समझ नहीं सकते।
तो इसलिए यूएन घोषाल साहब ने ये बात कही कि एक गलती जो लोग जो मैक्स मूलर से थोड़ा अलग हटके भी हैं और जो कहते हैं कि नहीं, प्राचीन भारत के पास एक राजनीतिक दृष्टि थी, एक राजनीतिक चिंतन था, उनकी एक समस्या ये है कि वो सारे आधुनिक विचारों को जाकर प्राचीन भारत पर आरोपित कर देते हैं, प्रक्षेपित कर देते हैं और उसमें उनको बड़ा संतोष मिलता है। वो समझते हैं कि जैसे हमने प्राचीन भारत की राजनीति को समझ लिया और प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन को समझ लिया, या फिर प्राचीन भारत की जो अवधारणाएं हैं राजनीति की उनको हम ओवर स्ट्रेच कर देते हैं आधुनिक धारणाओं के साथ उनकी संगति बैठाने के लिए। उनके जैसे कि धर्म के सिद्ध के कॉन्सेप्ट की एक बड़ी अजीबो गरीब व्याख्या हम कर डालते हैं, जो भारतीय दर्शन में का जो केंद्रीय विचार है आजकल हम उसकी बड़ी विकृत व्याख्याएं सुनते हैं धर्म की अवधारणा की। तो इसलिए इन दोनों खतरों से अपने को जब हम बचा पाएंगे तभी हम भारतीय राजनीतिक चिंतन को भली प्रकार से समझ पाएंगे, तभी हम भारत की जो राजनीतिक दृष्टि रही है, उनकी जो राजनीतिक की अवधारणा रही है, उसके साथ न्याय कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जिसको हिंदू राजनीतिक चिंतन कहते हैं वो हिंदू राजनीतिक चिंतन बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को भी कालांतर में प्रभावित करता है। महात्मा बुद्ध तो मूलतः एक योगी थे, बड़े उच्च कोटि के योगी थे। उन्होंने आध्यात्मिक और तत्वशास्त्री सिद्धांतों के ऊपर गंभीरता से विचार किया, उनकी बड़ी व्याख्या की, लेकिन जब बौद्ध धर्म पर आधारित राज्यों को चलाने का प्रश्न आया कि उनका संचालन कैसे किया जाए, चाहे वो प्रश्न सम्राट अशोक के सामने आया हो, चाहे वो प्रश्न बाद में तिब्बत में आया हो या अन्य बौद्ध राज्यों में आया हो, तो उनको उनकी जो मूल प्रेरणा थी राज व्यवस्था के विषय में वो हिंदू स्रोतों से ही थी। कौटिल्य, कामंदक और दूसरे जो हमारे यहाँ के राजनीति शास्त्रकार रहे हैं उन्हीं से उन्होंने मूलतः प्रेरणा ली। इसलिए जो बौद्ध सिद्धांत हैं राजनीति के वे भी अंततः हिंदू सिद्धांत हैं राजव्यवस्था के, और यही बात जैन धर्म पर भी लागू होती है क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म मूलतः हिंदू धर्म की दो शाखाएं हैं और इसलिए जो बुनियादी जो मान्यताएं हैं वो उनको हिंदू धर्म से ही प्राप्त हुई। इसलिए और इसी तरह से जैन धर्म में भी राजनीति पर उनके यहाँ भी आचार्य हुए, बहुत बड़े बड़े आचार्य हुए, बौद्ध धर्म में भी बड़े बड़े आचार्य हुए विशेषतः तिब्बत में, जिन्होंने राजशास्त्र पर बड़े श्रेष्ठ ग्रंथों का प्रणयन किया, लेकिन वो जितने भी ग्रंथ लिखे गए उसकी मूल प्रेरणा हिंदू पॉलिटिकल थियोरी से ही आती है। इसलिए जब हम हिंदू राजशास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें हिंदू, बौद्ध और जैन इन तीनों स्रोतों को ध्यान में रखना चाहिए। तो दूसरा पक्ष ये है। तीसरा पक्ष ये है कि भारत का जो राजनीतिक चिंतन है या भारत की जो राजनीतिक दृष्टि है वो एक विशिष्ट प्रकार की राजनीतिक दृष्टि है। हमारी राजनीति पर हमारे अध्यात्म शास्त्र, हमारे धर्म शास्त्र का बहुत गहरा प्रभाव है। दोनों में बड़ा क्लोज रिलेशन है। आधुनिक युग में राजनीति और धर्म का पृथक्करण का सिद्धांत है। ये माना जाता है कि धर्म का अपना क्षेत्र है, वो परलोक परमात्मा से संबंधित जो प्रश्न है वो व्यक्ति के अपने कंसर्न है, वो उसको कैसे मानता नहीं मानता, लेकिन
जो धर्म है उसको उसके नियंत्रण से या उसके प्रभाव से जीवन के बाकी पक्ष स्वतंत्र होने चाहिए। तो ये दृष्टि भारत की दृष्टि नहीं है। ये जो सेक्युलरिज्म है ये तो 16वीं 17वीं शताब्दी में धर्म और राजनीति के पृथक्करण का जो विचार आया तब से ये शब्द प्रचलन में आया। सेक्युलर मतलब होता केवल लौकिक दृष्टि से चीजों के ऊपर विचार करना, केवल मनुष्य के लौकिक कल्याण की चिंता करना। लेकिन जो भारतीय सभ्यता है, जो हिंदू संस्कृति है, वो तो उसमें तो अभ्युदय और निःश्रेयस ये जीवन के दोनों ही लक्ष्य माने गए हैं और उनकी एक हायरार्की मानी गई है। निःश्रेयस का अर्थ है कि हमारा पारलौकिक कल्याण, और अभ्युदय का अर्थ है हमारा लौकिक कल्याण। इन दोनों कल्याण की उपलब्धि में सहायता करने वाली जो संस्था है उसको हमारे यहाँ राज्य कहा गया। क्रिश्चियनिटी में कुछ इससे समानता दिखाई पड़ती है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ने भी नेचुरल गुड और सुपर नेचुरल गुड दोनों प्रकार के गुड की बात की है, दोनों प्रकार के कल्याण की बात की। भारतीय संस्कृति में मनुष्य के जीवन के जो दो पुरुषार्थ हैं, अभ्युदय यानी अपना लौकिक कल्याण करना और निःश्रेयस यानी अपना पारलौकिक कल्याण करना, ये दोनों पुरुषार्थों की प्राप्ति ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और राज्य वो संस्था है जो दंड शक्ति के प्रयोग के द्वारा राजा के द्वारा, राजधर्म के पालन के द्वारा अपनी प्रजा को इन दोनों पुरुषार्थों की उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अर्थ में हमारे यहाँ राज्य को देखा गया। दूसरी बात यह है कि राज्य जो हमारे दो पुरुषार्थ हैं, लौकिक और पारलौकिक, इनका आधार धर्म है। भारतीय संस्कृति में माना गया कि जो सारा संसार है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, वो ऋत से संचालित होता है। ऋत मतलब कॉस्मिक लॉ। ईश्वर ने केवल इस ब्रह्मांड की रचना ही नहीं की है, बल्कि इस ब्रह्मांड के संचालन के सिद्धांत भी निर्धारित किए हैं। वो जो कॉस्मिक लॉ है, वो जो ऋत है, उससे ब्रह्मांड की हर वस्तु संचालित होती है, चाहे वृक्ष हो, चाहे वनस्पतियां हो, चाहे नदी हो, चाहे सरोवर हो, चाहे दूसरे जीवधारी हो, प्राणी हो और मनुष्य हो। इसी ऋत का एक स्वरूप मनुष्यों के लिए धर्म के रूप में सामने आता है, यानी क्या धारण करने योग्य है। धारण करने योग्य से मतलब कि वो चीजें धारण करने योग्य हैं जो कि हमारे लौकिक कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करें और पारलौकिक कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त करें। या शायद ज्यादा सही तरीका इसको कहने का ये होगा कि जो पारलौकिक कल्याण के संदर्भ में हमारा लौकिक कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त करें, उसको हमारे यहाँ धर्म कहा गया। तो धर्म वो मर्यादाएं हैं, वो नियम हैं, वो विधान है जिनका पालन करके व्यक्ति, समूह, समाज और राज्य का कल्याण होता है। धर्म के विरुद्ध जाकर न किसी व्यक्ति का कल्याण, न व्यष्टि का कल्याण संभव है, न समष्टि का कल्याण संभव है। क्योंकि धर्म तो एक स्वाभाविक चीज है, जैसे कि अग्नि का धर्म दाहकता है, जल का जो धर्म है वो शीतलता है। अग्नि और जल इसी प्रकार से व्यवहार करेंगे कि अग्नि में दाहकता होगी ही होगी, जल में शीतलता होगी ही होगी। इसी तरह से मनुष्य के लिए करणीय अकरणीय की व्यवस्था भी शास्त्रों में कर दी गई है, क्योंकि धर्म का जो मूल है वो वेद है।
धर्म को हर व्यक्ति नहीं डिफाइन करेगा, जो आजकल का एक फैशन बन गया है कि हर व्यक्ति धर्म का व्याख्याता बन गया। धर्म का जो स्वरूप निर्धारण है वो वेद शास्त्रों के द्वारा, वेदादि शास्त्रों में जो निरूपित है उसको धर्म कहा जाएगा। अगर हमारी व्याख्या उसके अनुकूल है तो ठीक है, अगर हमारी व्याख्या उसके प्रतिकूल है तो ये मनमानी है। आप अपनी कन्वीनियंस से धर्म को डिफाइन कर रहे हैं, तो आप अपनी सुविधा से धर्म को नहीं परिभाषित करेंगे। धर्म का जो स्वरूप है उसी के अनुसार आपको अपनी सुविधा को बनाना पड़ेगा। वही आपको जो स्वरूप है उसको यथावत हमें संभालना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उसमें सुविधा या असुविधा का प्रश्न नहीं है। तो इसलिए वेद जो है वो धर्म का स्रोत है। वेद के अलावा अन्य जो शास्त्र हैं वे हमारे ऊपर शासन करते हैं। शास्त्र मतलब जो हमारे ऊपर शासन करते हैं, जिनकी मर्यादा का, जिसमें जो नियम बताए गए हैं, जो जीवन दृष्टि बताई गई है, जो आचार विचार निर्दिष्ट किया गया है, उसका जब हम पालन करते हैं तो वो धर्म का पालन होता है। तो धर्म जहाँ एक ओर व्यक्ति के लौकिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, वहीं दूसरी ओर धर्म का पालन अगर करते हुए हम चलेंगे तो उसी लौकिक कल्याण के को प्राप्त करते हुए अंततः हम अपने पारलौकिक कल्याण को भी प्राप्त कर लेंगे। जो हमारे यहाँ चार पुरुषार्थों का विवेचन है उसकी आधारशिला धर्म है। धर्म सम्मत अर्थ, धर्म सम्मत काम। अगर अर्थ और काम धर्म सम्मत हैं तो स्वभावतः व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी, और अगर अर्थ और काम धर्म विरुद्ध हैं या धर्म से स्वतंत्र हैं तो वे पतनकारी हैं, विनाशकारी हैं, व्यक्ति के लिए भी समाज के लिए भी। उनसे वास्तव में हमारा कल्याण नहीं। तो ये जो जीवन की दृष्टि दी गई भारत में, हमारी संस्कृति जिसका, वेदादि शास्त्र जिसका प्रतिपादन करते हैं, जिसमें मनुष्य को उसके सारे संदर्भों में देखा गया है, लेकिन सारे संदर्भों का आधार धर्म है। इस आधार पर भारत में जीवन के हर क्षेत्र को देखा गया। कला है, साहित्य है, राजनीति है, अर्थनीति है, भाषा है, पहनावा है, घर की व्यवस्था है, परिवार के संबंध हैं, समाज के संबंध हैं, सब का आधार धर्म होना चाहिए। इसलिए ये सब शब्दावली चलती है कि भाई भाई का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, शिक्षक का धर्म क्या है, या हमारा देश के प्रति क्या धर्म है। तो इसलिए धर्म तो सर्वव्याप्त है, और धर्म से ना राजनीति असंबद्ध हो सकती है, ना कला हो सकती है, ना साहित्य हो सकता है, ना अर्थनीति हो सकती है। यानी धर्म वो मूल है और धर्म शास्त्र वो मूल विद्या है, अध्यात्म शास्त्र वो मूल विद्या है जिससे राजशास्त्र, अर्थशास्त्र, कला, साहित्य, विज्ञान आदि सबकी उत्पत्ति होती है। इसलिए हमारे यहाँ राजनीति शास्त्र अध्यात्म शास्त्र की शाखा है, धर्म शास्त्र की शाखा है। अर्थशास्त्र भी आजकल के अर्थ में, पहले तो वार्ता उसके लिए शब्द है, साहित्य, कला, जितने भी ज्ञान विज्ञान हैं वे सब अंततः अध्यात्म शास्त्र की शाखाएं मात्र हैं। ये जो होलिस्टिक अप्रोच जिसको कहते हैं जीवन को, जगत को देखने की, ये भारत की
दृष्टि रही है, ये होलिस्टिक व्यू, ये इंटीग्रेटेड व्यू एक लाइफ का, एक एग्जिस्टेंस का हमारे यहाँ लिया जाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में राजनीति और धर्म के असंबद्ध होने की कोई गुंजाइश नहीं है। धर्म से स्वतंत्र होकर राजनीति वेश्या की भांति आचरण करती है, ऐसा हमारे यहाँ आचार्यों ने, विद्वानों ने कहा है। इसलिए धर्म विहीन राजनीति, नीति विहीन राजनीति की भारत में कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए सेक्युलर पॉलिटिक्स एक बिल्कुल एक विजातीय सिद्धांत है। भारतीय संस्कृति इस तरह की किसी पॉलिटिक्स को रिकॉग्नाइज नहीं करती, उसको कोई मान्यता नहीं देती। तो इस आधार पर हमारे यहाँ राजनीति को इस रूप में देखा गया है, राजनीति शास्त्र को इस रूप में देखा गया। अब इसको अगर दृष्टांत से निरूपित किया जाए तो बात स्पष्ट हो जाती है। भारत में विद्याओं और कलाओं का जो वर्गीकरण किया गया, अगर हम उस वर्गीकरण पर दृष्टिपात करें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे यहाँ हर विद्या, हर कला मूलतः अध्यात्म शास्त्र से ही निसृत होती है। यानी सबका स्रोत वेद है, और वेद जो है वो रेविलेशन है, ईश्वर की वाणी है। तो वेद ही सारे विद्याओं का, सारी कलाओं का, लौकिक पारलौकिक सभी का स्रोत है, सभी का आधार है। वेदों में अध्यात्म शास्त्र भी है और राजनीति शास्त्र भी है। वेदों में मनुष्य के आत्मिक कल्याण, आध्यात्मिक कल्याण की व्यवस्था भी की गई है, और मनुष्य के सांसारिक और लौकिक कल्याण के सूत्र भी दिए गए हैं। सूत्र रूप में है, मंत्र रूप में, कोई बहुत विस्तार से व्याख्या नहीं, लेकिन हाँ उसका सूत्र, उसका मंत्र दिया गया। बाद में उसकी व्याख्या की गई परवर्ती युगों में। तो इसलिए राजनीति शास्त्र का जो, और इसको दूसरे शब्दों में आप इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ राजशास्त्र के जो प्रथम प्रतिपादक हैं वो ब्रह्मा माने गए। ब्रह्मा ने राजशास्त्र को वैशालाक्ष शिव को दिया, भगवान शिव को दिया। शिव से वो राजशास्त्र इंद्र को प्राप्त हुआ, इंद्र से वो राजशास्त्र बृहस्पति को प्राप्त हुआ, बृहस्पति से शुक्र को प्राप्त हुआ, और उसके बाद वो प्रवाह नीचे तक, आगे तक चलता चला गया। फिर उसमें बहुत सारे ऋषि और आचार्य और विद्वान हुए, जैसे कि मनु हैं, जैसे कि कौटिल्य हैं, जैसे कि कामंदक हैं, और फिर वो हमारे यहाँ राजशास्त्र के ग्रंथों की ये परंपरा 18वीं 19वीं शताब्दी तक बराबर विद्यमान रही। जैसे कि 12वीं शताब्दी में कल्लड़ ने जो ग्रंथ लिखा राजतरंगिणी, वो भी राजशास्त्र का ग्रंथ है। इसी तरह से 15वीं 16वीं शताब्दी में राजा मदन सिंह देव ने जो मदन रत्न के नाम से जो एक ग्रंथ लिखा, वो भी राजशास्त्र का ग्रंथ है। इसी तरह से अनंत देव ने 18वीं शताब्दी में जो राजधर्म कौस्तुभ के नाम से ग्रंथ लिखा, वो भी राजशास्त्र का ग्रंथ है। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का निरंतर क्रम चलता रहा। स्पष्ट है कि भारत में राजशास्त्र अपौरुषेय है, ह्यूमन ओरिजिन की चीज नहीं है, ह्यूमन मेकिंग की चीज नहीं है। इसका राजशास्त्र का ओरिजिन भी डिवाइन है, अपौरुषेय जिसको कहते हैं, किसी पुरुष ने यानी मनुष्य ने उसकी रचना नहीं की। जैसे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी में हम समझते हैं हॉब्स है, लॉक है, और एरिस्टोटल हैं, प्लेटो हैं, ये सब मनुष्य हैं, बहुत बुद्धिमान थे वो अलग बात है, लेकिन सब मनुष्य हैं। लेकिन हमारे यहाँ
राजशास्त्र जो है वो अपौरुषेय है। हमारे यहाँ जितनी भी विद्याएं हैं, कलाएं हैं, वे सब अपौरुषेय हैं, किसी मनुष्य ने उनकी रचना नहीं की है, उनका स्रोत दैवीय है। इसलिए राजशास्त्र का जो मूल प्रतिपादन है, मुख्य प्रथम प्रतिपादन है, वो ब्रह्मा ने किया। फिर शिव से भगवान शंकर को प्राप्त हुआ, फिर भगवान शंकर से इंद्र को, फिर बृहस्पति को, फिर शुक्र को, और फिर इस तरह से बाद में तमाम जो आचार्य हुए उनके माध्यम से होता हुआ ये धारा अविरल रूप से अभी तक प्रवाहित हो रही। अभी भी आज भी इस परंपरागत राजशास्त्र पर, इस भारतीय राजशास्त्र पर ग्रंथों का प्रणयन हो रहा है। तो इसलिए पहली बात तो ये अपौरुषेय है, और अपौरुषेय होने के कारण जो राजशास्त्र के सिद्धांत हैं उनके ऊपर कोई विवाद नहीं है कि एक विचारक ने एक चीज प्रतिपादित की तो दूसरे ने उसका खंडन किया और कहा कि नहीं ये ठीक है, फिर तीसरे ने उसका खंडन किया कि नहीं ये ठीक है। हमारे यहाँ जो राजशास्त्र के सिद्धांत हैं वो सनातन हैं, शाश्वत हैं, क्योंकि वो ईश्वर निर्मित है, अपौरुषेय है, इसलिए उसमें जो कह दिया गया वो सनातन सत्य है। और इसलिए आप देखते हैं कि जितने भी राजशास्त्र के आचार्य हुए पिछले सैकड़ों हजारों वर्षों में, वो सब एक ही सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। उनके थोड़ा बहुत स्थान और काल के कारण वेरिएशन, भिन्नता चाहे देखने को मिले, अन्यथा जो मूल सिद्धांत हैं वो सब ने एक ही प्रकार के माने, उनको लेकर कहीं कोई विवाद नहीं, कहीं कोई मत भिन्नता नहीं। तो ये भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी विशिष्टता है कि भारतीय जो राजशास्त्र है वो अपौरुषेय है, उसमें जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं वे सनातन सिद्धांत हैं, मनुष्य का कल्याण करने की उनमें अपार क्षमता है, और भिन्न भिन्न युगों में जो भिन्न भिन्न आचार्य हुए उन्होंने उसी उन्हीं मूल सिद्धांतों को बार बार रिपीट किया है, अपने युग के सामने, अपने दौर के सामने रखने का काम किया। अब एक तो हमने बताया कि ये परंपरा रही ब्रह्मा से जो प्रारंभ हुई और चलती रही, फिर धर्म और राजनीति कैसे एक घुले मिले हैं इसके भी कुछ दृष्टांत हैं। इसका जैसे कि एक सबसे बड़ा दृष्टांत महाभारत है, महाभारत का ग्रंथ है जिसके रचयिता वेदव्यास हैं। महाभारत में मोक्ष शास्त्र का भी विवेचन है, भगवत गीता जो है वो मोक्ष शास्त्र कहा जाता है, जिसमें बड़े गंभीर दार्शनिक तत्वशास्त्रीय आध्यात्मिक प्रश्नों की व्याख्या की गई है। और उसी महाभारत में शांति पर्व में भीष्म राजधर्म का, राजशास्त्र का प्रतिपादन करते हैं। उसी महाभारत में समाज व्यवस्था का भी प्रतिपादन किया गया है कि एक अच्छी समाज की व्यवस्था क्या होती है। उसी महाभारत में सैन्य शास्त्र का भी वर्णन है, युद्ध कला का भी वर्णन है। तो क्योंकि जीवन संपूर्ण है इसलिए हमारे यहाँ वो फ्रेगमेंटेशन दिखाई नहीं पड़ता है, वो स्पेशलाइजेशन जिसको आजकल कहते हैं कि ये राजनीति शास्त्र है, ये सैन्य विज्ञान है, ये भौतिक विज्ञान है, ये रसायन विज्ञान है, इस तरह का कंपार्टमेंटलाइजेशन भारत की दृष्टि नहीं रही है। हमारे यहाँ जो भी ग्रंथों की रचना की गई वे ग्रंथ संपूर्ण जीवन की व्यवस्था और व्याख्या करते हैं, उनमें पारलौकिक विषयों का भी वर्णन है और उसी पारलौकिक विषयों के प्रकाश में लौकिक विषयों की भी व्याख्या की गई। वेदों में वेदांत भी है और वेदों में धनुर्विद्या का भी विवेचन है, आयुर्वेद का भी विवेचन है। इसी तरह से एक प्राचीन ग्रंथ है योग वाशिष्ठ, जिसके रचयिता ब्रह्मर्षि वशिष्ठ माने जाते हैं, जो कि सूर्यवंशी राजाओं के यानी भगवान राम के गुरु थे। तो
जो योग वाशिष्ठ है उसमें धर्मशास्त्र का भी विवेचन है और उसमें राजशास्त्र का भी विवेचन है। संस्कृत के महान कवि कालिदास ने जो काव्य लिखे, जैसे कि रघुवंश नाम के काव्य में, जहाँ काव्य शास्त्र को आप काव्य शास्त्रीय दृष्टि से भी पढ़ सकते हैं और उसमें राजनीति शास्त्र के सिद्धांतों का भी निरूपण है। तो हमारे यहाँ राजशास्त्र हमेशा धर्मशास्त्र के अंतर्गत ही विकसित हुआ है, उससे स्वतंत्र होकर विकसित नहीं हुआ। जो भी राजविद्या है, राजशास्त्र के लिए हमारे यहाँ कई नाम चलते हैं। राजविद्या कुछ लोग कहते हैं, कुछ आचार्य उसको दंड नीति शास्त्र कहते हैं। तो इस तरह से अनेक नाम है, राजविद्या है, राजशास्त्र है, ये सब राजनीति शास्त्र के नाम हमारे यहाँ रखे गए हैं। अर्थशास्त्र है, जैसे कौटिल्य का जो ग्रंथ है वो राजशास्त्र पर ग्रंथ है। अर्थशास्त्र है तो एक विशेष अर्थ में अर्थशास्त्र शब्द भी चलता है, दंड नीति शब्द भी चलता है। तो ये सब नाम हमारे यहाँ राजशास्त्र के, राजनीति शास्त्र के माने गए हैं। ये सभी पदों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये है कि राजनीति शास्त्र अन्य शास्त्रों की तरह धर्मशास्त्र का एक अंग ही रहा है, कभी उसकी स्वतंत्र रूप में परिकल्पना नहीं की गई। ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है भारत की जो राजनीतिक दृष्टि रही है, उस राजनीतिक दृष्टि का। अब जैसे कि अभी विद्याओं का उल्लेख आया, तो हमारे यहाँ एक दृष्टि से चार विद्याएं मानी गईं, दूसरी दृष्टि से 18 विद्याएं मानी गईं, तीसरी दृष्टि से 32 विद्याएं मानी गईं। कलाओं का जब प्रश्न आता है तो 64 कलाएं हमारे यहाँ मानी गईं। अब ये जो भी अलग अलग आधार पर ये वर्गीकरण किया गया, लेकिन इन सारी विद्याओं और कलाओं में एक जो मुख्य पक्ष जो देखने समझने का है वो ये कि ये सारी विद्याएं और कलाएं अध्यात्म शास्त्र पर ही प्रतिष्ठित है। जैसे कि भवन निर्माण कला, जैसे कि रत्न शास्त्र, ये शुद्ध लौकिक विषय कहे जाएंगे, लेकिन ये सारे जो लौकिक विषय भी हैं उनका भी एक पारलौकिक पक्ष से घनिष्ठ संबंध है। और अगर आप इन लौकिक विषयों को भी समझना चाहते हैं तो जब तक आपको भारत की जो तत्वशास्त्रीय दृष्टि है उसकी अच्छी समझ ना हो, तब तक इन लौकिक विषयों को भी आप भली प्रकार से नहीं समझ सकते। अब जैसे मुख्य रूप से जो चार विद्याएं मानी गईं, उसमें से पहली है आन्वीक्षकी, जिसको कि हम तर्कशास्त्र कहेंगे या न्याय शास्त्र कहेंगे, अंग्रेजी में उसको लॉजिक कहते हैं। दूसरी है त्रयी, जिसके कि अंतर्गत तीन वेद आते हैं। और तीसरा है दंडनीति, दंडनीति मतलब राजशास्त्र। और चौथा है वार्ता, वार्ता में इकोनॉमिक्स जिसको आजकल कहा जाता है, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, ये सब आते। तो ये चार विद्याएं मानी गई एक दृष्टि से। अब आप ये देख सकते हैं कि इन चार विद्याओं का जो क्रम है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आन्वीक्षकी कहते हैं तर्क, तर्क मानी किसी, जिसको कि आजकल मेथोडोलॉजी कहते हैं, कि किसी चीज को अगर आपको किसी चीज का आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले आपको अपनी तर्क शक्ति को बहुत अच्छे तरह से विकसित करना चाहिए। उस तर्क, क्योंकि वो जो आन्वीक्षकी है वो ज्ञान का प्रवेश द्वार है। जब तक आपकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है, आपने विभिन्न
उपायों से जो कि न्याय दर्शन में बताए गए हैं, ठीक से उन उपायों को अपनाकर जब तक आपने अपनी तर्क शक्ति को व्यवस्थित और विकसित नहीं किया है, तब तक आप किसी भी ज्ञान को सही अर्थ में प्राप्त कर नहीं सकते। इसलिए पहला चरण है आन्वीक्षकी का, कि आप विषय को ठीक से कैसे पढ़ें, कैसे समझें, क्या तर्क है, क्या कुतर्क है, क्या अतर्क है, कैसे निष्कर्ष पर पहुँचें, किसको प्रमाण माने, किसको प्रमाण ना माने, प्रमाणों के भी कई प्रकार बताए गए, भेद बताए गए, ये सब चीज़ें जिसके कि हमारी जो लॉजिकल पावर्स हैं, जो हमारी इंटेलेक्चुअल पावर्स हैं, ये अच्छी तरह से डेवलप हो जाए और तब फिर हमें ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार मिलता है। अब जब ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश किया तो सबसे पहले क्या समझना है, त्रयी वेदों को समझना है। और वेद, जैसा कि हमने आपको बताया कि उनका संबंध जीवन के, जगत के जो मूल सिद्धांत हैं उनसे, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म और जीव का क्या संबंध है, इस जगत का विस्तार क्या है, जितने भी राजशास्त्र के ग्रंथ हैं उनमें किसी में ज़्यादा विस्तार से, किसी में संक्षेप में, इस अध्यात्म विद्या की सबसे पहले चर्चा की गई है। क्योंकि राज्य तो बहुत बाद में आता है, राज्य तो इस जगत में है, लेकिन राज्य को समझने से पहले हमें इस ब्रह्मांड के स्वरूप को समझना पड़ेगा। तो त्रयी का उद्देश्य व्यक्ति को उन तत्व शास्त्रीय सिद्धांतों, उन दार्शनिक सिद्धांतों, उन आध्यात्मिक सिद्धांतों को उपलब्ध कराना है कि जिनको उपलब्ध करके व्यक्ति की जीवन और जगत के प्रति एक सम्यक दृष्टि बन जाती है। जब ये दृष्टि बन गई, उसके बाद फिर वार्ता और दंडनीत, यानी जो लौकिक विषय है, जब आपकी बुद्धि का परिष्कार हो गया, जब जीवन को देखने की सही सम्यक दृष्टि आ गई, तब फिर हमें राजनीति के सिद्धांतों को, व्यापार वाणिज्य के सिद्धांतों को पढ़ना समझना चाहिए और उनके आधार पर व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। तो ये चार जो विद्याएं हैं, इन चार विद्याओं में आप ये देख सकते हैं कि पहले ज्ञान का जो सबसे पहली आवश्यकता है वो ये है कि जीवन और जगत के मूल सिद्धांतों को समझना, और उनको समझने के बाद फिर इस जगत की जो लौकिक संस्थाएं हैं उनके कार्य व्यापार को समझना, उनके स्वरूप को समझना, उनके द्वारा उनका उपयोग करते हुए अपना कल्याण करना, समाज का कल्याण करना, फिर ये चीज़ें उसके बाद आती हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल साइंस है वो कोई इंडिपेंडेंट साइंस नहीं है। पॉलिटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स, कि जो पॉलिटिक्स है वो मेटाफिजिक्स की एक ब्रांच है। जब तक हम मेटाफिजिक्स को ठीक से नहीं जानते, तब तक हम पॉलिटिक्स को ना ठीक से जान सकते हैं, ना पॉलिटिकल लाइफ को ठीक से चला सकते हैं। तो इस अर्थ में हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारे यहाँ ये विद्याएं और कलाएं मानी गईं, उन विद्याओं और कलाओं में भी जो शीर्ष स्थान है वो अध्यात्म विद्या को है, और बाकी जितने भी सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक जो भी विषय हैं, विद्याएं हैं, वे उसकी शाखा के रूप में ही माने गए हैं, कभी उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानी गई जैसा कि आधुनिक काल में माना जाता। ये एक बहुत बड़ा अंतर है और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम प्राचीन भारत की राजनीति को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम
क्योंकि इस आधुनिक राजनीति के अभ्यस्त हो गए हैं, उस तरह से हम सोचने लगे हैं जो सेक्युलर पॉलिटिक्स है, कि पॉलिटिक्स तो कुछ ऐसी चीज है कि जो कि अपने आप में स्वतंत्र है और जो अपने तरह से काम करती है। तो जब इस विचार दृष्टि को लेकर हम प्राचीन भारत में जाते हैं, तो फिर मैक्स मुलर और दूसरे विद्वानों की तरह हम भी यही निष्कर्ष निकालेंगे कि प्राचीन भारत में राजनीति थी ही नहीं, प्राचीन भारत में कोई राजनीतिक चिंतन था ही नहीं। ये जो इंटेग्रिटी है पॉलिटिक्स और मेटाफिजिक्स की, ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है भारतीय राजनीति, भारत की, प्राचीन भारत की राजनीति। इसी से जुड़ा हुआ विषय एक दूसरा है कि राजनीति का स्थान क्या है हमारे जीवन में। तो हमारे जो आचार्य हुए राजनीति के, उनका ये, उन्होंने राजनीति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। राजधर्म को, भीष्म ने राजधर्म को सबसे प्रधान धर्म कहा है। इसी तरह से और राजा की और राजनीति की इतनी महत्ता होती है कि शुक्र कहते हैं कि राजा जो है वो युग प्रवर्तक होता है। कोई युग कैसा होगा, स्वर्ण युग होगा या अंध युग होगा, मनुष्य के लिए वो नयनकारी होता है, होगा या पतनकारी होगा, ये राजा के स्वरूप पर निर्भर करता है कि राजा कैसा है। युग प्रवर्तको राजा धर्मा धर्म प्रशिक्षणात्, कि राजा युग प्रवर्तक होता है। राजा किसी युग को स्वर्ण युग बना सकता है, राजा किसी युग को अंध युग भी बना सकता है। यानी राजनीति की इतनी महत्ता है। राजनीति को हमारे यहां इसलिए इतना महत्व दिया गया क्योंकि जब तक राजा का काम क्या है, राज्य की व्यवस्था का संचालन करना, जिससे कि मनुष्य को अपना लौकिक और पारलौकिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त हो सके। अब इस मार्ग में बहुत सारे बाधक तत्व होते हैं, कंटक होते हैं। प्राचीन भारत में उसको कंटक कहा गया कि जैसे जब हम मार्ग पर चलते हैं, सड़क पर चलते हैं, तो अगर हम सावधानी से ना चलें तो पैर में कांटा लगने या पत्थर चुभने या इस तरह की हमेशा संभावना रहती है। तो उससे अपने को बचा के जब हम चलते हैं, उसकी व्यवस्था करके जब हम चलते हैं, तब हम सुरक्षित चल पाते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह से क्योंकि संसार में सात्विक, राजसिक, तामसिक सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं, मनुष्य की प्रकृति त्रिगुणात्मक है। समाज में अगर अच्छे लोग भी हैं और तो समाज में बुरे लोग भी हैं, और ये बुरे लोग जो हैं वो कंटक के समान हैं, जो कि अपना भी अहित करते हैं और दूसरे का भी अहित करते हैं अपने क्रियाकलापों के द्वारा। तो इनको नियंत्रण में रखना, ये राज्य का धर्म है, राज्य का कर्तव्य है। और जब तक इस प्रकार के तत्व नियंत्रण में नहीं रहेंगे, तब तक आप कोई भी कार्य व्यक्तिगत या सामाजिक जीवन में भली प्रकार से नहीं कर सकते। यानी अगर अराजकता का वातावरण है, दुष्टों का आतंक है, जो शिष्ट लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं वो भयभीत हैं, तो ऐसी स्थिति में ज्ञान विज्ञान, कला साहित्य, संगीत की कहां गुंजाइश, क्योंकि हर समय जीवन रक्षा का प्रश्न ही रहेगा, सुरक्षा का प्रश्न ही हर समय दिमाग में घूमता रहेगा। मनुष्य का सारा पुरुषार्थ अपने को सुरक्षित रखने में ही जब बना रहेगा, तो फिर जो जीवन के जो और उच्चतर जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए कहाँ अवकाश होगा, कहाँ हम अपने को उधर कंसंट्रेट कर पाएंगे, कहाँ उन चीज़ों का ध्यान रख पाएंगे। इसलिए राजा का जो
सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है प्रजापालन। और प्रजापालन का मतलब क्या है कि शिष्टों को संरक्षण दे और दुष्टों का दमन करे, ये राजा का कर्तव्य है। जब राजा अपना ये कर्तव्य करेगा, यानी जब राजनीति इस प्रकार के समाज को संभव बनाएगी जिसमें दुष्टों का दमन होता हो और शिष्टों का संरक्षण होता हो, तब मनुष्य अपने जीवन के विकास के लिए जो दूसरी क्रियाएं हैं, जैसे कि शिक्षा है, संस्कृति है, ज्ञान है, विज्ञान है, इनकी प्राप्ति तो वो तभी कर सकता है। अपना मोक्ष भी वो तभी प्राप्त कर सकता है जब समाज में शांति का वातावरण हो। अगर समाज में अशांति है, अराजकता है, तब तो आप कोई भी छोटी या बड़ी क्रिया कर ही नहीं सकते। इसलिए राज्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य इस भूमिका को संपादित करके जो जीवन के विभिन्न पुरुषार्थ हैं उनका मार्ग, इसलिए अगर राजनीति ना हो तो फिर अन्य पुरुषार्थों का संपादन करने की या उनको प्राप्त करने की स्थितियां नहीं बन पाएंगी। इस कारण से राजनीति को प्रधान धर्म कहा गया कि सभी धर्मों में राजधर्म सबसे प्रधान धर्म है, क्योंकि राजा अगर अपने धर्म का पालन ठीक से करेगा और समाज में शांति होगी, व्यवस्था होगी, सुरक्षा होगी, तभी ऋषि भी तप कर सकते हैं, तभी संगीतकार संगीत साधना कर सकते हैं, तभी कलाकार कलाकृतियों का सृजन कर सकते हैं, तभी शिक्षक अध्यापन कर सकता है, तभी शिक्षार्थी विद्या प्राप्त कर सकते हैं, तभी घर गृहस्थी की व्यवस्था बनी रह सकती है। तो इसलिए राजधर्म जो है वो सारे अन्य धर्मों के पालन की पूर्व शर्त है, प्री कंडीशन है। और क्योंकि राजधर्म अन्य सभी धर्मों का आधार है, और क्योंकि राजा के व्यक्तित्व पर या राजधर्म के सम्यक परिपालन पर समाज का स्वरूप निर्भर करता है, इसलिए हमारे आचार्यों ने राजनीति को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया। ये लगभग वैसा ही है जैसा कि अरस्तु ने पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस कहा। अरस्तु ने भी माना है कि जितनी भी विद्याएं हैं, जितनी भी विज्ञान हैं, उनमें राजनीति शास्त्र की बड़ी विशिष्टता है, उसकी बड़ी महत्ता। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जो राजनीतिक चिंतन है उसमें हमें ये दृष्टि प्राप्त होती है कि जो राज्य की संस्था है वो कितनी महत्वपूर्ण संस्था है, राजनीति का कितना महत्वपूर्ण स्थान समाज की व्यवस्था के संचालन में होता है, जीवन की व्यवस्था के संचालन में होता है, सारे पुरुषार्थों के निर्वहन की संभावना एक सुशासित सुव्यवस्थित राज्य में ही है। इसलिए राजनीति का इतना महत्व, हमारे यहाँ आचार्यों ने उसको इतना महत्व दिया है। तो ये भी एक, लेकिन अब इससे जुड़ी हुई एक दूसरी बात यह है कि जब राजा का दायित्व इतना महत्वपूर्ण है और जब राजनीति की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ये तभी संभव है जबकि राजा का जो राज्य है वो धर्मानुसार संचालित किया जाए। हमारे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में पुरोहित का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है राजा के मंत्रिमंडल में। और ये जो पुरोहित होता था, ये पुरोहित धर्म तत्व के विषय में राजा को अवगत कराता रहता था कि राजा का धर्म क्या है, किसी
सामान्य विशिष्ट परिस्थिति में। पुरोहित जो था वो राजा के ऊपर नियंत्रण रखता था, धर्म का, नीति का, मर्यादा का। जैसे कि भगवान राम जो थे वो कोई भी राजा होकर भी अपने सारे निर्देश आदेश पहले अपने गुरु वशिष्ठ से प्राप्त करते थे। शिवाजी के बारे में हम जानते हैं कि समर्थ रामदास उनके गुरु थे और शिवाजी उनके मार्गदर्शन से अपने राज्य का संचालन करते थे। और इसी तरह से जितने भी राज्य थे वहाँ पर एक पुरोहित का पद होता था। ये पुरोहित के पद पर कोई श्रेष्ठ धर्मवेत्ता विराजमान होता था। सामान्यतः इस पद को ब्राह्मण को दिया जाता था और वो राजा के ऊपर नियंत्रण का कार्य करता था कि जिससे कि राजा धर्मानुसार शासन करे, नीति के अनुसार शासन करे, उनके विरुद्ध आचरण न करे। समय समय पर कभी कभी राजाओं ने नीति और धर्म की उपेक्षा की है और ऐसे अत्याचारी शासक भी भारत के राजनीतिक इतिहास में प्राप्त होते हैं, लेकिन उनका पतन भी हुआ है, उनको दंडित भी किया गया है, साथ साथ ये भी पक्ष है। तो इसलिए राजा और पुरोहित का जो संबंध है वो हमारे यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण माना गया। राजा के मार्गदर्शन का कार्य, यानी अगर जैसे कि राजा को कोई टैक्स लगाना है तो राजा अपनी इच्छा से ये निर्णय नहीं करेगा, बल्कि वो पुरोहित से परामर्श करेगा। कोई भी नीति राज्य की अपनानी है सामान्य परिस्थितियों में, युद्ध की परिस्थितियों में, ऐसी स्थिति में राजा का मार्गदर्शन करने के लिए पुरोहित की व्यवस्था होती थी और वो राजा के मंत्रिमंडल का सदस्य होता था और वो स्वयं राज व्यवस्था से निर्लिप्त रहता हुआ केवल राजा का मार्गदर्शन करता है। वो राजनीति में भागीदार नहीं है, वो केवल राजनीति के ऊपर दृष्टि रखता है, राज्य की व्यवस्था के ऊपर दृष्टि रखता है, राजा के क्रियाकलापों की निगरानी करता है और ये केवल देखता है कि राज्य का संचालन सम्यक सिद्धांत जो कि राजनीति के हैं उनके आधार पर किया जाए। तो इस प्रकार से धर्म नियंत्रित राजनीति की धारणा और धर्म नियंत्रित राजा की धारणा भारतीय राजनीतिक चिंतन में प्राप्त होती है। एक अन्य पक्ष जो कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के विषय में महत्वपूर्ण है और जिसका उल्लेख यूएन घोषाल ने अपनी पुस्तक में किया है, वो पक्ष ये है कि वो कहते हैं कि जो भारत में राजनीति के जो आचार्य हुए हैं उन्होंने कभी यूटोपिया बिल्डिंग नहीं की, उन्होंने किसी हवाई काल्पनिक राज्यों की सृष्टि नहीं की या किन्हीं ऐसे सिद्धांतों की सृष्टि नहीं की जो कि महज काल्पनिक हैं, हवाई हैं, बल्कि वे लोग बड़े रियलिस्टिक और अर्थी, ये शब्द घोषाल ने प्रयुक्त किए हैं कि जो हमारे राजनीति के आचार्य रहे हैं वो बहुत ही रियलिस्टिक यानी बड़े यथार्थवादी और अर्थी यानी वास्तविकताओं से निकट संबंध रखने वाले थे। और जब हम राजशास्त्र के ग्रंथों को देखते हैं तो ये बात प्रमाणित भी होती है, क्योंकि उसमें राजनीतिक व्यवस्था के संचालन से संबंधित जितनी भी बारीकियां होती हैं, जितने भी पक्ष होते हैं, उनका बहुत विस्तार से विवेचन विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। जैसे कि राजा का मंत्रिमंडल, उसमें कितने मंत्री होना चाहिए, जब वो लोग मंत्रणा करें यानी मंत्रिमंडल की बैठक हो तो उसके क्या नियम हैं, राजा की दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए, करारोपण के क्या सिद्धांत होना चाहिए, किस चीज़ पर कितना कर लगना चाहिए, सैन्य प्रबंध कैसा होना चाहिए, सेना कितने प्रकार की होती हैं,
जो सैनिक होते हैं उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, हाथी की कितनी होनी चाहिए, अश्वारोही कितने होने चाहिए, ये सब चीज़ें इसी तरह से स्थानीय शासन से संबंधित बहुत सारी डिटेल्स, विदेश संबंधों से संबंधित जो मंडल सिद्धांत है उसमें बहुत सारे डिटेल्स, तो ये बहुत सारे जो व्यावहारिक राजनीति के और प्रशासन के जो पक्ष हैं इनका वर्णन बहुत विस्तार से, एक विभाग की संरचना कैसी होनी चाहिए, डिपार्टमेंट जिसको आजकल हम कहते हैं, तो इन सब कॉन्क्रीट चीज़ों की व्याख्या हमारे राजनीतिक चिंतन में की गई है कि जो चीज़ें राज व्यवस्था को चलाने में सहायक होती हैं उनका बहुत विस्तार से विवेचन विश्लेषण विभिन्न आचार्यों के द्वारा किया गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि देश और काल के अनुसार उसमें थोड़ा सा भेद है, लेकिन कोई बहुत भेद नहीं है, मूल बातें और मूल जो वर्णन है वो सब लगभग एक जैसे प्राप्त होते हैं, उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी। जितना भी राज हमारे संपूर्ण इस भारत के भूखंड में जिसका बड़ी दूर दूर तक विस्तार था, बर्मा से लेके अफगानिस्तान तक, राज व्यवस्था के जो सिद्धांत थे वो पूरे देश में एक ही प्रकार के थे। और ये स्थिति केवल प्राचीन काल में नहीं थी, आप जानते होंगे कि अंग्रेजी शासन में भी जब अंग्रेजों ने हमारे यहाँ शासन कायम किया तो उस समय दो प्रकार से देश पर शासन होता था। एक तो जिसको ब्रिटिश इंडिया कहते हैं, उस ब्रिटिश इंडिया को यानी वो राज्य जो कि सीधे सीधे जिनका प्रशासन अंग्रेजों के हाथ में था, उन राज्यों का प्रशासन तो वेस्टमिंस्टर मॉडल से चलता था, यानी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंग्लैंड का उसके आधार पर अंग्रेज सरकार थी तो उन्हीं की व्यवस्था के अनुसार चलता था। लेकिन जो 550 देसी रियासतें थीं जिन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की सॉवरेंटी तो थी लेकिन जिनको अपने आंतरिक मामले अपने तरीके से प्रबंध करने का अधिकार प्राप्त था, इन देशी रियासतों का शासन इसी भारतीय जो राज्य विधान है, जो भारतीय राज व्यवस्था है, इन्हीं के अनुसार संचालित होता था। तो हम ये कह सकते हैं कि 1947 तक भारत में जो भारत की अपनी राजनीतिक व्यवस्था रही है, जो उनका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहा है, उससे भारत के राज्यों का संचालन होता रहा। ये अलग बात है कि संविधान बनने के बाद हमने उस सबको विस्मृत कर दिया, उस सबको स्वीकार कर दिया और पूरे देश में आज़ादी के बाद जो राजनीतिक व्यवस्था कायम हुई वो वेस्टमिंस्टर मॉडल के ऊपर कायम हुई। तो इसलिए भारत में न केवल राजनीति शास्त्र पर ग्रंथों का प्रणयन निरंतरता से होता रहा है, बड़े प्राचीन काल से लेकर 18वीं 19वीं और 20वीं शताब्दी तक भी, बल्कि शासन प्रणाली जो भारतीय शासन प्रणाली जो सही अर्थ में है, जो कि हमारे यहाँ राजशास्त्र के ग्रंथों में प्रतिपादित की गई है, उस शासन प्रणाली के आधार पर 20वीं शताब्दी तक देशी रियासतों का संचालन होता रहा। उन्होंने वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपने यहाँ नहीं अपनाया, ब्रिटिश इंडिया में वेस्टमिंस्टर मॉडल रहा, लेकिन जो देशी रियासतें थीं वे भारतीय राज व्यवस्था के सिद्धांतों के आधार पर काम करती हैं। तो इसलिए भारतीय राजशास्त्र कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि जिसको आप कह दें कि अब वो पुरानी बात थी, खत्म हो गई, अब तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं, अब तो उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं। भारतीय राजशास्त्र और उसके सिद्धांत और उन सिद्धांतों के आधार पर व्यवहार इस 20वीं शताब्दी तक हमें प्राप्त होता है, जब तक कि हमने ही उसको अप्रासंगिक नहीं बना दिया अस्वीकार करके। तो ये जो एक दृष्टि है वो भी एक महत्वपूर्ण दृष्टि है कि हमारे राजनीति शास्त्र के आचार्यों ने राजनीति और प्रशासन के सभी पक्षों की बड़ी विस्तार से व्याख्या की है, वे पूरी तरह से रियलिस्टिक हैं
किसी यूटोपिया बिल्डिंग में वो कभी नहीं पढ़ते। मनुष्य का स्वभाव क्या है, उसके जीवन के पुरुषार्थ क्या होने चाहिए, इसके आधार पर उन्होंने एक राज्य की व्यवस्था का वर्णन किया। ये अवश्य है कि हमेशा शासक और शासित के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट हमेशा रहा कि शासक को इस शासक का ये धर्म है, प्रजा का ये धर्म है। ना शासक को मनमानी करने की इजाज़त देता है हमारे यहाँ का राजशास्त्र और धर्मशास्त्र, ना शासित को मनमानी करने की इजाज़त देता है। दोनों धर्म की मर्यादा में बंध के जब चलेंगे तब एक श्रेष्ठ राज्य का निर्माण होगा। तो ये पक्ष है जो कि भारतीय राजशास्त्र के संबंध में महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ हमारे आचार्यों ने राजनीति के, राजनीतिक जीवन के सभी पक्षों पर विस्तार से विचार किया है। पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी डिटेल्स हो सकते हैं वे सारे डिटेल्स डिस्कस किए गए हैं सभी ग्रंथों में। फिर सिद्धांत तो ये स्पष्ट ही है, इस सिद्धांत के आधार पर छोटे और बड़े राज्य, राज्य यानी किंगडम्स और एम्पायर्स, ये भी हमारे देश में बनते रहे। छोटे छोटे राज्य भी थे और बड़े बड़े साम्राज्य भी थे, जैसे कि उत्तर भारत में मौर्य साम्राज्य से हम सभी लोग परिचित हैं, गुप्त साम्राज्य से हम सभी लोग परिचित हैं, हर्षवर्धन के साम्राज्य से हम सभी लोग अवगत हैं। तो इतने बड़े बड़े एम्पायर्स हमारे यहाँ राजाओं ने स्थापित किए, छोटे राज्य भी थे और बड़े बड़े राज्य भी थे, और दक्षिण भारत में भी चोल वंश के राजाओं ने और अन्य चालुक्य वंश के राजाओं ने बड़े बड़े राज्य वहाँ पर भी स्थापित किए और बड़े कुशल शासक हमारे यहाँ हुए, ऐसे राजा हुए प्राचीन भारत में भी और मध्यकाल में भी, जिनके जिनका स्मरण आज भी एक आदर्श शासक के रूप में किया जाता है। इसलिए जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसमें हमें सिद्धांत की परिपूर्णता भी प्राप्त होती है और व्यवहार की भी परिपूर्णता प्राप्त होती है। व्यवहार की परिपूर्णता से आशय कि बड़े श्रेष्ठ राज्य और बड़े आदर्श शासकों ने और आदर्श शासकों की एक लंबी श्रृंखला, यदा कदा तो बुरे शासक हमारे यहाँ भी हुए लेकिन अच्छे शासकों की भी एक बड़ी सुदीर्घ परंपरा रही। तो ये स्पष्ट है कि जब पश्चिमी विचारक ये कहते हैं या उनके प्रभाव में हमारे देश के विद्वान ये कहते हैं कि प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन नहीं था या प्राचीन भारत में राजनीति की कोई दृष्टि नहीं थी, तो वे शायद ना तो राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष से अवगत होते हैं और ना वे भारत के राजनीतिक इतिहास से अवगत होते हैं, जिस राजनीतिक इतिहास में इतने श्रेष्ठ राज्य और साम्राज्य बार बार स्थापित किए गए, जिनका बड़ा सुचारू रूप से संचालन किया गया और जिनके द्वारा प्रजा का सर्वतोमुखी कल्याण किया गया। इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान रखते हैं तब हम जो हिंदू राजनीति है या जो प्राचीन भारत की राजनीति की दृष्टि है उसको भली प्रकार से समझ सकते हैं।